स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 4 पोएट्री का चैप्टर 4 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है इंडियन वीवर्स। इंडियन वीवर्स को लिखा है सरोजनी नायडू ने। अगर इसको हिंदी में इसका नाम बताएं तो भारतीय जुलाहे या भारतीय बुनकर होगा। सरोजनी नायडू जो कि बहुत बड़ी, बहुत प्रसिद्ध कवित्री रही हैं और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और अब पोएम पे आने से पहले मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें। और आप वीडियो में क्या कुछ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। Weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon wild. We weave the robes of a newborn child. ये चार लाइन की स्टेंजा है। इसमें पहली दो लाइन में, पहली दो पंक्तियों में कवित्री सरोजनी नायडू पूछ रही है बुनकर से, Weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment so day? कवित्री कह रही हैं कि जो जुलाहे हैं वो कपड़ा बुनने का कार्य कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, एट ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे का मतलब है जैसे ही डे शुरू होता है, मतलब सूर्योदय का समय। तो बुनकर सूर्योदय से ही कपड़ा बुन रहे हैं। Why do you weave a garment so gay? आप लोग इतनी प्रसन्नता से कपड़े क्यों बुन रहे हैं, ये कवित्री का पूछना है। Blue as the wing of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. अब बुनकर जवाब देते हैं कि हम जो कपड़ा बुन रहे हैं वह हेल्सियन नाम की चिड़िया के पंख जैसा है। हेल्सियन चिड़िया एक ब्लू कलर की होती है, उसका जो पंख होता है रॉबिन ब्लू और नेवी ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम जो कपड़ा बुन रहे हैं वह हेल्सियन चिड़िया के पंख जैसा है, बिल्कुल नीला। वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, और हम लोग जो बुन रहे हैं वह पोशाक है न्यू बॉर्न चाइल्ड का, नवजात शिशु का। हम लोग नवजात शिशु की पोशाक बुन रहे हैं। अगले स्टंजा पे आते हैं। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो टाइट। जुलाहे रात होने पर कपड़े बुन रहे हैं यह देखते हुए कवित्री पूछ रही है, व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट। आप लोग जो कपड़े बुन रहे हैं वो इतना ब्राइट क्यों है, इतना चमकीला या इतना चटक क्यों है, या इतने चमकीले कपड़े आप लोग क्यों बुन रहे हैं। लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन। हम लोग मोर के पंख जैसा कपड़ा बुन रहे हैं जो कि पर्पल मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, नीले और हरे रंग का है। हम लोग मोर के पंख जैसा नीला और हरा रंग का कपड़ा बुन रहे हैं। वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन। क्वीन का मतलब ऐसे तो रानी होता है, लेकिन यहाँ पे क्वीन का मतलब एक दुल्हन से है। शादी के समय दुल्हन को रानी ही कहा जाता है। तो हम जो कपड़ा बुन रहे हैं वो दुल्हन की शादी के लिए है, और दुल्हन की जो घूंघट होती है, वेल मतलब घूंघट, तो हम दुल्हन का घूंघट या ओढ़नी बुन रहे हैं। अब बुनकरों का जवाब कुछ इस तरह से है कि हम लोग मोर के पंख जैसा कपड़ा जो कि नीला और हरे रंग का है
और चमकीला भी है, आकर्षक भी है, चटक रंग का है। वो बुन रहे हैं और यह कपड़ा बुना जा रहा है दुल्हन की शादी के लिए, दुल्हन का घूंघट के लिए। अब आखिरी स्टेंज में आते हैं। वीवर्स वीविंग सोलेमन एंड स्टिल, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, व्हाइट एज फेदर एंड व्हाइट एज क्लाउड, वी वीव ए डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। अब यहाँ पे पोएट्री पोएट्रेस या कवित्री कह रही है कि जुलाहे बिल्कुल शांत होके, बिल्कुल स्थिर होके कपड़ा बुन रहे हैं और प्रश्न पूछ रही है, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, इस ठंडी चांदनी रात में आप लोग क्या बुन रहे हैं। व्हाइट एज ए फीदर एंड व्हाइट एज ए क्लाउड, वी वीव ए डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। जुलाहों का कहना है कि हम लोग सफ़ेद कपड़ा बुन रहे हैं, इतना सफ़ेद जितना कि सफ़ेद पंख होता है या फिर सफ़ेद बादल। तो सफ़ेद बादल जैसा या सफ़ेद पंख जैसा कपड़ा बुन रहे हैं और यह कपड़ा बुना जा रहा है एक मृतक व्यक्ति के कफन के लिए। तो इस पोएम में जीवन के तीन अवस्थाएं बताई गई हैं। एक जब आदमी जन्म लेता है तो उस समय उसके लिए जो पोशाक या जो स्थिति होती है उसको कवित्री ने बताया है। और फिर दूसरी अवस्था है शादी की। तो शादी के समय जो तड़क भड़क होती है उसको दिखाया गया है। और फिर जो आखिरी सत्य है मृत्यु, उसको बिल्कुल सादगी के साथ सफ़ेद रंग के साथ बताया गया है।